सच से कोई समझौता नहीं। निडर, निष्पक्ष और निर्णायक पत्रकारिता की मिसाल आ गया है मेवाड़ की पावन धरा पर। अलर्ट राजस्थान न्यूज, जो है सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। असामाजिक तत्वों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्ति हटाकर लगाई माताजी की मूर्ति, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे घटना स्थल पर। एनआईसी के माध्यम से यूआईटी ने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर किया तैयार, जिला कलेक्टर ने किया लॉन्च, घर बैठे मिलेंगे पट्टे। लेक सिटी में हुई मूसलाधार बारिश, बरसात ने बढ़ाई ठंडक, मौसम हुआ सुहाना, दो दिनों तक हो सकती है बारिश। रेजिडेंट डॉक्टरों ने किया कार्य का बहिष्कार, सीनियर डॉक्टर्स ने संभाला मोर्चा, चार दिन विरोध के बाद भी नहीं सुन रही सरकार। खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं असामाजिक तत्वों की। उदयपुर जिले के मावली तहसील के रखियावल गांव में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लगी एक मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने हटा दिया। ऐसे में मूर्ति की जगह असामाजिक तत्वों ने माता जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया। इस पूरे घटना की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता घटना स्थल पर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने घटनास्थल का विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच घासा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि फिलहाल अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। पूर्व प्रतिमा को फिर से स्थापित किया जाएगा। हालांकि इस बीच सोशल मीडिया पर दो फोटो जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्ति की जगह माता जी की मूर्ति स्थापित की गई। वहीं दूसरी फोटो में इंदिरा गांधी की खंडित मूर्ति जमीन पर पड़ी हुई है। हालांकि पुलिस द्वारा माता जी की मूर्ति हटाकर फिर से इंदिरा गांधी की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। आज बड़े दुख की बात है कि इंदिरा राष्ट्रीय एकता मेला के परिसर में रखियावल ग्राम पंचायत में इंदिरा गांधी जी की मूर्ति लगी हुई थी। वो 84 में स्वर्गीय हनुमान प्रसाद प्रभाकर जी, जो मावली का नेतृत्व करते थे और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उनके कर कमलों द्वारा वो मूर्ति लगेगी। और यहाँ इंदिरा जी के नाम का राष्ट्रीय एकता मेला 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को आयोजित होता है। और विगत 40 साल पहले मूर्ति लगी है। हर साल जहाँ पे पंचायत समिति से यहाँ की व्यवस्था देखी जाती है और पंचायत समिति इसके बजट की भी व्यवस्था की है। किसी लोगों ने आज नाइट को वहाँ से मूर्ति को हटा कर तोड़ फोड़ कर वहाँ माता जी की मूर्ति लगी है, तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। जिस भी जिस व्यक्ति ने ये कार्य किया है वो निंदनीय है और ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियाँ लगी हुई होती है, इस तरह अगर देश में होगा तो फिर कानून व्यवस्था क्या होगी। तो मैं प्रशासन से गुंजारिश करूँगा कि इसकी तत्काल इन मुलजिमों को पकड़कर नई मूर्ति वापस लगवा के व्यवस्था करवाए, वरना अगर ये प्रशासन द्वारा उक्त कदम नहीं उठाया गया तो माहौल खराब होगा, उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। देखिए, एक बात आई है कि कोई गांव है रखियाला खासा थाने में, वहां पे एक मूर्ति थी जिसको तोड़ के उसकी जगह कोई दूसरी मूर्ति लगा दी गई है, तो उसमें जब्त कर लिया गया है, मुकदमा दर्ज हो रहा है और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दिया जा रहा है। उनकी जो मूर्ति है ओरिजिनल स्टेटस को मेंटेन की जाएगी और जिसने ऐसी कार्रवाई की उसको पहचान करके उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की। कल रात की घटना है जो आज सुबह नॉलेज में है। क्या मूर्ति दोबारा से जी स्टेटस जो पहले था वैसा ही मेंटेन किया जाएगा? अभी कोई दूसरी मूर्ति लगा दी है फोटो नहीं, वो चेंज कर दिया गया है, उसको चेंज कर दिया जाएगा, जो पहले थी स्थिति वैसी ही मेंटेन की जाएगी। उदयपुर यूआईटी ने भूमि नियमन के बाद आवंटन पत्र और पट्टे जारी करने की प्रक्रिया को आसान करने की कोशिश हो रही है। पारदर्शिता लाने के लिए एनएसआई के माध्यम से यूआईटी ने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार करवाए हैं। जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने इस सिस्टम को लॉन्च किया है।
90A के बाद प्लान अनुमोदन की कार्रवाई, प्लान का कुल विवरण, प्लान के सुविधा क्षेत्र का विवरण और अनुमोदित प्लान की ML फाइल आदि ऑनलाइन होंगी। सचिव बाल मुकुंद असावा ने बताया कि प्लान अनुमोदन के बाद ऑनलाइन ही मांग पत्र प्रेषित किया जाएगा। राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट ऑनलाइन प्राप्त कर आवंटन पत्र भी ऑनलाइन जनरेट किया जाएगा। आवंटन पत्र जारी होने के बाद राशि भी ऑनलाइन ही जमा कराई जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर आवेदन को सूचना प्राप्त होगी एवं प्लान अनुमोदन आवंटन पत्र पट्टा जारी निर्देश दिए हैं। प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने के साथ ही पत्रावलियों का त्वरित निस्तारण भी हो सकेगा। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिए हैं। असावा ने बताया कि जिला कलेक्टर एवं उपन्यास अध्यक्ष मीणा ने समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को आगामी 16 अक्टूबर के बाद ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही प्लान अनुमोदन एवं आवंटन जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान प्रन्यास सचिव के अलावा विशेषाधिकारी कृष्णपाल सिंह चौहान, भूमि आवप्त अधिकारी सुरेश खटीक, अधीक्षण अभियंता अनित माथुर, NIC के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक मजर हुसैन एवं न्यास के अन्य कर्मचारी मौजूद थे। उदयपुर सहित संभाग में कई जगहों पर दूसरे दिन शनिवार को भी जमाझम बारिश का दौर जारी रहा। सुबह से ही बादल गरजने के साथ बारिश शुरू हुई, फिर दिन भर रुक रुक कर बारिश का दौर देर शाम तक जारी रहा। बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया, दिन और रात के तापमान में भी गिरावट आई है। जानकारी के अनुसार शनिवार को सुबह तक 24 घंटे में उदयपुर शहर 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि जिले के कुराबड़ में 63 मिलीमीटर बारिश हुई। इसी तरह भिंडर में 26, कानोड़ में 24, वल्लभ नगर में 22, सराड़ा में 16, लसाड़ा में 15, बड़गांव और सलूमर में 13 एवं सेमारी में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर NS राठौड़ ने बताया कि आने वाले 2 दिन भी इसी तरह बारिश होने की संभावना है और मौसम में भी ठंडक बनी रहेगी। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन इस बारिश से फसलें खराब होने का खतरा है। इस मौसम में खासकर मक्का, ज्वार और सोयाबीन की फसलें या तो खेत में खड़ी हैं या कटाई हो रही है। ऐसे में इन फसलों के खराब होने से किसान को भारी नुकसान हो सकता है। उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा महाराणा भोपाल चिकित्सालय में विगत 3 दिनों से काली पट्टी बांधकर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को भी 2 घंटों का कार्य बहिष्कार किया गया। रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर नवरतन ने बताया कि सरकार द्वारा अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं की गई है, जिसमें भामाशाह में तृतीय सेल का गठन शामिल है, जो कि पिछले 9 महीनों से नहीं किया गया है। सरकार द्वारा जो नई इनबाउंड पॉलिसी आई है, उसमें इन सर्विस कैंडिडेट को बाहर रखा गया है। हमारी मांग है कि इन सर्विसेज में जो भी कैंडिडेट हैं, उन्हें SRship और उच्च शिक्षा के लिए बाध्य किया जाए। जो भी रेजिडेंट फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जिनकी परीक्षा हो चुकी है और उन्हें उनके डॉक्यूमेंट पिछले 5 महीने से नहीं लौटाए गए हैं और न ही उनके कोई ज्वाइनिंग दी गई है, ऐसे कैंडिडेट को आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेजिडेंट द्वारा गत वर्ष की जो भी मांगे हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। रेजिडेंट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सुभाष मुकुल्लिया ने कहा कि अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द नहीं मांगी तो रविवार सोमवार भी कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। उसके बाद में अगर कोई आदेश नहीं आता है तो प्रदर्शन जारी रहेगा। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कला महाविद्यालय के छात्र नेता कमलेश डांगी और NSUI के पूर्व प्रदेश महासचिव यशवंत सिंह के नेतृत्व में कला महाविद्यालय में चल रही गुंडागर्दी और फर्जीवाड़े को लेकर रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा। पूर्व महासचिव यशवंत सिंह सिसोदिया ने आरोप लगाया कि देवेंद्र सिंह राठौड़ अध्यक्ष के नाम का दुरुपयोग कर रहा है और इस कृत्य में पूर्व छात्र नेता जितेश खटीक और भूपेंद्र सिंह देवड़ा साथ दे रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि ये तीनों मिलकर कला महाविद्यालय में गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसी क्रम में इन्होंने गत दिनों में महाविद्यालय में गरबा का आयोजन किया और जिन छात्रों ने विरोध किया उनको फेल करवाने की धमकी दी। सिसोदिया का कहना है कि अध्यक्ष ना होते हुए भी इस तरह महाविद्यालय में आयोजन करवाना पूर्णतया अनुचित है और कॉलेज प्रशासन भी इनका पूरा समर्थन कर रहा है। इसी के चलते छात्र नेताओं ने रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो आम छात्रों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो वर्तमान अध्यक्ष है, जो नकली अध्यक्ष बना हुआ है, उसके साथ में 2 पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है, जितेश खटीक, भूपेंद्र सिंह देवड़ा और ये नकली अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौड़, ये तीनों मिलकर मतलब कॉलेज के अंदर फुल गुंडागर्दी कर रहे हैं। आम छात्रों की रैगिंग ले रहे हैं, इनको मार रहे हैं, इनको कूट रहे हैं, प्लस इन पर झूठा मुकदमा करा रहे हैं। एक अध्यक्ष नहीं है, वो कॉलेज के प्रोग्राम करा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले गरबे का प्रोग्राम कराया गया, जिसके अंदर ये स्टूडेंट है कमलेश डांगी
और एक युवराज सिंह और एक युवराज सिंह, ये फिस्टर के बच्चे हैं, इनको मारा और एक उनके साथ में लड़का था हेमेंद्र खट्टी, उससे इन पर STSC का मुकदमा कराया गया, जातिगत मुकदमा। फिर दो दिन बाद काउंसलिंग थी MA की, जिसमें इसका स्टूडेंट का एडमिशन की प्रोसेस थी, मतलब तो वहाँ पे इन्होंने ये FIR की कॉपी दी कि सर ये तो अपराधी है, आप इसको एडमिशन नहीं दे सकते हो। कैसे एडमिशन नहीं दे सकते भाई, एडमिशन फॉर्म भर दिया, झूठा मुकदमा किया, मतलब इस तरह से, मतलब ये तीनों दो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जितेश खट्टी को देवेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह देवड़ा और ये नकली अध्यक्ष वर्तमान देवेंद्र सिंह राठौड़, ये तीनों मगर गुंडागर्दी कर रहे हैं, झूठा मुकदमा कर रहे हैं, इन पर फंसाया जा रहा है इनको। हमारी मांग है सर कि अध्यक्षों को पुलिस से निष्कासित किया जाए और आम छात्र को राह दी जाए और रैगिंग का केस करे और झूठा मुकदमे कर रही है और कह रहे फेल करा देंगे तुम्हें, हमारे साथ रो भाई, ये भी स्टूडेंट लीडर है भाई, ये भी राजनीति करना चाह रहे, पहले इसके ऊपर झूठा मुकदमा करा के एडमिशन नहीं होने दे रहे। मेन मुद्दा ये है हमारा कि आप काउंसलिंग में कैसे रोक सकते हो एडमिशन देने से, ये FIR की कॉपी हमारे डिपार्टमेंट के है, राजस्थान डिपार्टमेंट के सर है, आज हमने ज्ञापन दिया है सर को। शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में राजसमंद जिले के देवगढ़ नगर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोलंकी दरवाजा में करियर महिला मंडल द्वारा अपने आंचल अभियान के तहत बच्चों को पेपर क्राफ्ट से विभिन्न प्रकार की साज सज्जा की सामग्री बनाना सिखाया गया। मंडल की मुख्य प्रशिक्षक फैशन एंटरप्रेन्योर भावना सुखवाल द्वारा सभी बच्चों को इसका प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सुखवाल ने सभी बच्चों को बताया कि बेहद मामूली व कम सामान की मदद से भी बेहतरीन क्राफ्ट आइटम्स तैयार कर सकते हैं। त्योहारों पर प्लास्टिक और महंगे सामानों को ना खरीद कर हम घर बैठे पेपर क्राफ्ट से कई रंग बिरंगी साज सज्जा सामग्री बना सकते हैं। प्रधानाचार्य अशोक सिंह पंवार द्वारा बच्चों को प्लास्टिक प्रयोग नहीं करने और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ से सतीश सिंह पंवार, रेखा जिनगर, सरिता शर्मा, राशि चुंडावत और छात्र छात्राओं में खुशवंत रेगर, कोमल रेगर, विवेक सिंह, गौरव सिंह, सन्नी राठौड़, भरत रेगर, पवन रेगर, वर्षा गुर्जर, निशा रावत, दिव्या मेवाड़ा, भरत नागर और सहित कई बच्चे मौजूद थे। रेल मगरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिंदेसर कला के ग्राम सेवा सहकारी समिति के नव नियुक्त कार्यकारिणी के सदस्यों का बामनिया कला प्रबंधन व किसानों एवं ग्रामीणों के द्वारा भव्य स्वागत व मालार्पण किया गया और कार्यकारिणी के नव निर्वाचित अध्यक्ष मोहनलाल कुमावत, उपाध्यक्ष नगजी राम जाट व नव निर्वाचित सदस्य भागीरथ कुमावत, बंशीलाल कुमावत, सुनीता देवी वैष्णव, रामलाल भील, सोहनलाल कुमावत, देवकिशन कुमावत, रामचंद्र सालवी, रमेश चंद्र मालीवाल, रुक्मणी देवी कुमावत, मदन लाल कलाल सहित सभी ने बामनिया कला में स्थित चारभुजा मंदिर परिसर में ठाकुर जी के दर्शन के बाद सभी देवस्थानों के भी किए दर्शन और लिया आशीर्वाद। सरपंच किशन लाल सालवी ने बताया कि नव निर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष एवं सदस्यों ने किसानों व ग्रामीणों की मौजूदगी में शपथ लेकर पदभार ग्रहण किया। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। असामाजिक तत्वों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्ति हटाकर लगाई माता जी की मूर्ति, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज, कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे घटना स्थल पर। NIC के माध्यम से UIT ने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर किया तैयार, जिला कलेक्टर ने किया लॉन्च, घर बैठे मिलेंगे पट्टे। लेक सिटी में हुई मूसलाधार बारिश, बरसात ने बढ़ाई ठंडक, मौसम हुआ सुहाना, दो दिनों तक हो सकती है बारिश। रेजिडेंट डॉक्टरों ने किया कार्य का बहिष्कार, सीनियर डॉक्टर्स ने संभाला मोर्चा, चार दिन विरोध के बाद भी नहीं सुन रही सरकार। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।